जेल में रहकर नेताओं के चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के किस्से आपने देखे होंगे, लेकिन इस बार हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आपको जिज्ञासा से भर देगी। जी हां, महासमुंद जेल के चार विचाराधीन बंदियों को पुलिस पीएससी की परीक्षा दिलाने ले जाएगी। गंभीर अपराधों में विचाराधीन होने के बाद भी ये बंदी अधिकारी बनने का ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि चारों अलग अलग बैरक में हैं और ऐसे में समय मिलने पर दिन में चारों मिलकर ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं। कैदियों की परीक्षा को लेकर हमने न्याय के कानून भी जानने की कोशिश की, जिस पर वरिष्ठ वकील अनिल शर्मा ने बताया कि कैदी विचाराधीन है, यदि वो दोष मुक्त हो जाते हैं तो उनका प्रयास सफल होगा और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। चार बंदी जो है विचाराधीन है, अंडर ट्रायल बंदी है, जिन्होंने ये इन बंदियों की ऐसी इच्छा थी कि ये पीएससी में अपियर हो। इनके द्वारा आवेदन जेल को दिया गया था और माननीय न्यायालय से अनुमति के पश्चात इन चार बंदियों को पुलिस अभिरक्षा में कल परीक्षा देने के लिए भेजा जाएगा। ये उल्लेखित है कि नैतिक पतन जैसा अगर कोई अपराध में दोषी पाया जाता है, अगर वो नौकरी कर भी रहा है तो उस स्तर का अगर अपराध है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अदरवाइज अन्य मामलों में जैसे छोटे मोटे किसी साधारण बात को लेकर विवाद हुआ है, 138 चेक बाउंस का मामला, ऐसे मामले में किसी में अगर किसी को दोष सिद्ध पाया भी जाता है तो उसको नौकरी से निकाला जाना अनिवार्य नहीं।